बाकी जी हिस्ट्री क्लास है बेटे उन्हें आप पढ़ा लैसन नंबर एक अपना जो हिस्ट्री ऑफ पंजाब का जो सिलेबस है उसका पहला जो लैसन है लैसन का जो नाम है पंजाब भौगोलिक विशेषतावान इतिहास उपर उन्होंने प्रभाव यानी ये पहले लैसन का नाम है कि जो पंजाब का भूगोल है जो जमीन है उसका इस इतिहास से की प्रभाव है ये पहला लैसन है। इसको अच्छ आप शुरू करते हैं। सब तो पहले बेटे आप पढ़ा पंजाब का इतिहासिक महत्व की है। पंजाब का जो जमीन का टुकड़ा है जिस टुकड़े को असी पंजाब कहते हैं जिसके असी पैदा हुए हैं जिसके असी रह रहे हैं इस टुकड़े का इतिहासिक महत्व अगर आप पुराणिक कथावान की गल करिए पुराने समय जदों रामायण महाभारत की गल करिए महाभारत का जो युद्ध होया वो जो युद्ध होया वो कुरुक्षेत्र के मैदान च होया जो अजक हरियाणा के है वर्तमान जिला है तो वह कुरुक्षेत्र के युद्ध भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का महान उपदेश दिता से वह इसे जमीन पर दिता से ये वाला काल। इस तो अलावा असं अगर गल करिए सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सब तो पुरानी सभ्यता असं गिणते हैं उस तो बाद आर्यनज साडे देश के आए आर्यनज ने जो सब तो पुरानी किताब मनी जाती है ऋग्वेद वो इस जमीन पर लिखी पाणिनी वर्गे चाणक्य वर्गे महान जो जिन्हें चाणक्य ने अर्थशास्त्र वर्गा महान ग्रंथ लिखिया वो इस जमीन पर पैदा हुए। उस तो बाद अगर आप गल करिए ज़्यादातर सिख गुरु साहबान गुरु नानक देव जी गुरु अंगद देव जी गुरु अमरदास जी और उस तो बाद वाले गुरुआ च ज़्यादातर पंजाब की जमीन पर पैदा हुए सिखिज़म की शुरुआत जी है वो साड़ी इसे पंजाब की जमीन पर हुई तो पंजाब का बड़ा इतिहासिक और पुराणिक महत्व है। इस तो बाद बेटे आप करते हैं जो इनका सैकेंड अपने को है पंजाब के जो अलग अलग समय के जो नाम ने ये चीज़ बड़ी खास है कि पंजाब के वक् वक् नाम या भिन्न भिन्न नाम जिन्हें भी इतिहासिक पीरियड आप पढ़ते हैं वो सारे समय पंजाब क्योंकि भारत का एक अंग रहा है कोई वखरा देश नहीं रहा है लेकिन क्योंकि भारत का एक प्रवेश द्वार से सारे जिन्हें हमलावर आए और सारे की जी एंट्री है भारत के जो पंजाब च होती सी तां पंजाब के अलग अलग टाइम पर अलग अलग नाम रहे हैं। अगर आप हम शुरुआती पीरियड की गल करिए ऋग्वेद के जिहड़ा दर्ज है नाम वो पंजाब का नाम है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु यानी कि उस वेले पंजाब च सत्त दरिया जिहड़े है वह बगते से। और अगर आप गल करिए अगर यूनानी पंजाब के बच्चे आए उन्होंने इसको नाम की दिता पेंटा पोटामिया क्या। इस तो अलावा पंच नंद भी इसका नाम जरा है और कदे टक देश क्योंकि कहते हैं कि टक नाम की एक जाति जी है वह पंजाब के निवास करती सी तो टक देश इसका नाम रहा। अगर असं महाराजा रणजीत सिंह के समय की गल करिए अंग्रेजों के टाइम की तो लाहौर दरबार इसका नाम जरा रिकॉर्ड में दर्ज है। तो इस तो अलावा पंजाब तुम होर भी सारे जानते हो पंजाब आप कहने पंजाब गिन के पांच दरियावान की धरती तो यह वक् वक् टाइम के वक् वक् नाम जो पंजाब के आप हम शुरू करते हैं जो पंजाब की भूगोलिक विशेषतावान की जो असल जिस लैसन का अपना नाम है पंजाब दिया जो भूगोलिक विशेषतावान कि हूँ ये आप सारे जानते हैं कि पंजाब की जी जमीन है वो बड़ी उपजाऊ है और पंजाब जो है प्रवेश द्वार है जो मैं पहला गल की पंजाब दी जी भूगोलिक विशेषतावान ने बड़ी खास हैं। हम सब तो पहला अगर आप गल करेंगे विशेषतावान वो विशेषतावान के सब तो पहली विशेषता है हिमालय पर्वत। आप सारे जानते हैं हिमालय पर्वत जो है वो साडा भारत का असं संतरी कहीए गाड़ कहीए दुनिया की सब तो जी लंबी पर्वतों की सीरीज है वो हिमालय की सीरीज है तो बहुत वड्डिया वड्डिया पहाड़ियां ने जी कंचनजंगा है माउंट एवरेस्ट है दुनिया की सब तो वड्डियां पहाड़ियां ने वो सारिया पहाड़ियां इस अपन भूगोलिक विशेषतावान का जो पहला हिस्से च वंडिया जा रहा है इतिहासकार जो वंडते हैं उनका एक पहला भाग है कि वड्डियां पहाड़ियां ठीक है। दूसरे नंबर पर आप करेंगे दूसरे नंबर पर आ रहा है जो तराई वाले इलाके ने जो छोटिया पहाड़ियां ने हम इसे हिमालय के एक तो वड्डिया पहाड़ियां चाहे वह कंचनजंगा है चाहे वह माउंट एवरेस्ट और उसके नाम दी पहाड़ियां ने इस तो अलावा छोटिया पहाड़ियां वो जिहड़ा ज़्यादातर इलाका है अजकल हिमाचल प्रदेश के आ गया है जिवें ऊना वर्गे उत्थे जिले ने
जिते बहुत बड़िया पहाड़ियां ने, असं भी देवी देवतावान के मंदिर जाने कई थावान पर मत्था टेकने वास्ते, तो उत्थे वो पहाड़ियां जड़िया ने देखिया जा सकदियां ने। तीसरा जिहड़ा असीं भूगोलिक विशेषतावां दा पार्क कहांगे वो है मैदानी पार्क। मैदानी पार्क जिहड़ा है वो जो साडा हुण वाला पंजाब है वो सारा मैदान, क्योंकि जिवें असीं हुण वाले पंजाब च देखते हैं सारा मैदानी इलाका है, समतल या इलाका वो सारा मैदानी पार्क है। तो तीन ये हिस्से हो गए, एक तो हिमालय दी वड्डियां पहाड़ियां वाला इलाका सुलेमान ते हिमालय दी पहाड़ियां, दूसरे तराई प्रदेश और तीसरे ने ये मैदानी हिस्से। ये तीन हिस्सों असी पंजाब की जी भूगोलिक खेत्र असी बढ़ सकते हैं, ये सारिया विशेषतावान पंजाब के भूगोल दियां हन। इस अलावा अगर असी मैदानी पहाड़ के एक होर गल करिए है साढ़े दुआबे दुआब, दुआब यानी कि दो जड़िया नदियां होंदिया ने उनके विचाले जो जमीनी हिस्सा है वनू असी कहने दुआब, यानी दो आब दो नदियां के विचाले वाली समतल जमीन असी कहने दुआब। तो पांच दुआब ने, सिंध सागर दुआब है, चज दुआब है, बारी दुआब है, रचना दुआब है। ये दुआबे जड़े ने बड़े उपजाऊ ने, इन्हां च जिहड़ी क्योंकि नदियां दे विचाले वाली जमीन है, नदियां द्वारा लियाती गई जो उपजाऊ मिट्टी है वो सारी इस इलाके दे विच, इस इलाके असीं कहिंदे आ पंजाब बड़ा साडा सोना उगण वाली साडी जमीन है, बड़ी उपजाऊ साडी मिट्टी है। तो दुआबे भी जिहड़े ने इह साडियां भूगोलिक विशेषतावां दे विच शामिल ने। हुण असीं करांगे इह जिहड़ा सारा इह भूगोलिक विशेषतावां असीं पढ़ लईआं, इस भूगोलिक विशेषतावां दा प्रभाव की है, इन्हां दा प्रभाव असं कर रहे हैं उन्हों का प्रभाव की है। तो प्रभाव जोड़ा है वह अलग अलग है, राजनीतिक खेत्र के वखरा प्रभाव है, आर्थिक खेत्र के अलग प्रभाव है, सांस्कृतिक कल्चरल फील्ड के अलग प्रभाव है, और धार्मिक की अगर गल करिए तो वो अलग प्रभाव है। हम असी अगर सब तो पहला असं अगर गल करिए पोलीटिकल राजनीतिक खेत्र के प्रभाव है, तो राजनीतिक खेत्र के जिमें मैं पहला गल की है प्रवेश द्वार है पंजाब जिहड़ा है, जिहड़े खैबर टोची गोमल जिहड़े ये दर्रे दर्रे यानी कि असीं पहाड़ों की गल कर रहे हैं, जो वड्डे वड्डे पहाड़ ने, पहाड़ दो पहाड़ों के विचाले जिहड़ी डूंघी जमीन होंदी है उहनूं असीं दर्रा कहिंदे आ, जिहदे विचों दी टप के जिहड़े ने हमलावर जिहड़े सी उह भारत आउंदे रहे, उत्थों टप के पंजाब दे विच एंट्री करदे सी, पंजाब दे विचों टप के पूरे हिंदुस्तान दे विच अगे अलग अलग इलाकों दे विच हमले करन वास्ते चले जांदे सी। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰੇ ਟੱਪ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਅਰੇਬੀਅਨਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਹੂਣਾਂ ਨੇ, ਮੰਗੋਲਾਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਹਮਲੇ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਔਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਆਪਦਾ ਘਰ ਭਰਨ 'ਚ ਆਪਦਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਰਾਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਟਅਪ ਸਾਡਾ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਮੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਤੁਰਕ ਆਏ, ਮੰਗੋਲ ਆਏ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਇੱਥੇ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿਕਸ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮ,
और तीसरे धर्म की असं गल करते हैं सिखिज़म का असं गल कर रहे हैं, पैदा ही इतने होया गुरु साहबान साढ़े इतने पैदा हुए, उन्होंने जो शुरुआत की सिखिज़म की तो वो सिखी की पैदाइश वाली जमीन है पंजाब। तो ये मेन रूप से तीन वड्डे धर्म पंजाब च रहे हैं, क्योंकि हमलावर आए तो साड़ियाँ जातां च वाधा हो गया। हुण साड़ी एक मैं इत्थे गल तुहानूं दसना चाहना, जदों असीं कोई धर्म बदलते हैं जिहड़े बाहरों मुसलमान आए या किहड़ी भी धर्म कौम के लोग साडे देश विच आए साडे पंजाब दे विच आए, उन्होंने जदों हमला किया साडे लोगों के नाल उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, वैवाहिक संबंधों के नाल कई ने धर्म बदलिया, हुण वो हिंदू बन गए। लेकिन जदों असीं धर्म बदलने विशेषता यह होंगी है कि असीं अपनी जात नहीं बदलते, जो साडी कास्ट और सब कास्ट होंदी है वो साडी हमेशा ही रहती है। तो हिंदू धर्म के जिहड़ियां तुसीं हजारां जातियां देखते हो और अगे लखां सब कास्ट देखते हो वो इस भूगोलिक विशेषतावां दा नतीजा है। इस तरह बुद्ध धर्म और जैन धर्म भी साडी पंजाब की जमीन ते रहे, लेकिन वो बहुत घट गिनती असीं उहनां नूं कह सकते। तो ये दूसरा जिहड़ा धार्मिक खेत्र का साडा प्रभाव इत्थे रहा। हुण तीसरी मैं गल करां साढ़े भूगोलिक विशेषतावां दे इतिहास के प्रभाव की, तो साडा अर्थ यानी कि साड़ी जमीन साढ़े धरते, क्योंकि नदियां की यह धरती है और बड़ी उपजाऊ साड़ी मिट्टी है, उत्थे बड़ा साढ़े किसान मेहनती ने और मेहनत करके उत्थे बड़ी वधिया फसल जिहड़ी है उगदी है। जिहड़ी ये मिट्टी है इन्हां नदियां दे पानी दे नाल बह के साडे जिहड़े मैदान ने उपजाऊ बने ने, तो यह भी साड़ी भूगोलिक विशेषता है। इस विशेषता के करके हुण साड़ी जमीन उपजाऊ है, साडे किसान मेहनती ने, वो मेहनत करते ने, जमीन असीं कहिंदे आ सोना उगदी, अच्छी फसल होंदी है, लोगों की जेब भर जाती सी, कमाई होंदी सी, और इस कमाई जदों लोग रखते सी तां जिहड़ा विदेशी हमलावर ने पैसों की तलाश में तां भारत ते हमले करते सी। भारत के जिन्हें भी पड़ोसी राज इतिहासिक तौर पर असं गल करिए, चाहे वह पठाना का अफगानिस्तान का इलाका रहा या मध्य एशिया के देश रहे, वह सारे उत्थे रेता सीगा, कंगाल राजे सी, तो पैसे की तलाश में कित्थे आए, पंजाब आए, क्योंकि साडी जमीन उपजाऊ सी, लोग अच्छी कमाई कर लेंदे सी, खुश रहते सी। हमले साडे ते जिन्ने भी होए वो इसे भूगोल की विशेषता है, भूगोल करके हुए साढ़े को पैसा सी और पैसा जिहड़ा सी विदेशियों को छुपदा सी, वो लुटना चाहते सी, उन्होंने साडे ते हमला किए, चाहे मुहम्मद गौरी की गल कर लो, चाहे अहमद शाहबदाली की गल कर लो, वो सारे जिहड़े जिन्हां ने हमले पंजाब पर वार वार किए वो पैसे दे लई मुख रूप च किए गए हमले सी। तो आर्थिक तौर पर असीं कह सकते हैं कि पंजाब जिहड़ा बड़ा खुशहाल राज सी, लेकिन हाँ उसकी कीमत भी सानू वार वार चुकानी पई। ये धार्मिक आर्थिक और असी राजनीतिक खेत्र दे विच प्रभाव की गल की है। तो हुण आपां गल करदे हां बेटे समाजिक खेत्र दे विच जो प्रभाव पाए, समाजिक खेत्र दे विच की प्रभाव पाए। समाजिक खेत्र किहड़ा हुंदा, जिहड़ा हुंदा समाज जिहदे विच साडा हुंदा परिवार, रिश्तेदार, आंढी गुआंढी, साडा मुहल्ला, साडा शहर, ये सारा जिहड़ा साडा समाज है, जिहनूं असीं कहिंदे आ समाज की कहेगा, कई गल्लां च असीं गल्लां करदे आ। तां समाजिक खेत्र दे विच साडे इस भूगोलिक विशेषतावां दे की प्रभाव पाए, बाकी जिहड़े प्रभाव पाए ने उहनां नाल जुड़ियां होईयां गल्लां ने। जदों दूसरे हमलावरां ने साडे पंजाब ते हमले कीते, इत्थे लुट्टमार मची, राजे बदलदे रहे, नवें धर्म जिहड़े ने उह आए, नवीआं जातियां ऐड हो गईआं, तां नैचुरल है कि समाजिक खेत्र दे विच नवें संबंध बणे, गवांढी बदले, हिंदुओं के नाल मुसलमान आ गए। शुरुआती तौर पर हालांकि नफरत का माहौल रहा, लेकिन हौली हौली नाल नाल जिहड़े लोग रहिंदे सी, एक दूजे नाल संबंध स्थापित होए, उन्दे च वैवाहिक संबंध भी स्थापित होए, उन्दे च कल्चरल संबंध जिहनूं असीं कह दिंदे हां वी स्थापित होए, एक दूजे नाल जानकारी वधी, तां हौली हौली एक दूजे दे रिवाज आदतां साडे विच आए। जात पात दे विच वाधा होणा इह वी एक समाजिक प्रभाव है। मिक्स कल्चर की असं गल करते, असं गल करते पंजाब का जो सभ्याचार है वह बड़ा अमीर विरसा साडा है, वो इस करके अमीर है क्योंकि साढ़े को जिहड़ा धर्म आया, जिहड़ी जात दे लोग आए, असीं उन्हां नूं खुली पावर दे नाल असैप्ट कर लिया, असीं उन्हां नूं स्वीकार कर लिया, असीं उन्हां दे चंगे रिवाजा नूं स्वीकार कर लिया, असीं उन्हां दी खुशियां दे विच शामिल होए, असीं उन्हां दे दुखां दे विच शामिल होए, साडा समाजिक दायरा वधिया, रीति रिवाज वधे। मुसलमान आए, उन्होंने ईद मनानी शुरू की, होर उन्होंने ताजिए या होर उन्होंने जो त्यौहार से
ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਾਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬੰਨਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਿਕਸਡ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 1, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟਾਈਪ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਰਹੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਬੇਟੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੋਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੋਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇ ਰਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।